दुख को सुख में बदलना। सीखो, ये कहानी आपका जिंदगी बदल सकती है। एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, इस दुनिया में सभी एक चीज के पीछे भाग रहे हैं और एक चीज से भाग रहे हैं। सभी लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं और सभी लोग दुख से भाग रहे हैं। परंतु जो लोग बुद्धिमान हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, जो अरत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी समझ का विकास बहुत ज्यादा हो चुका है और जो इस दुनिया को एक अलग ही नजर से देखते हैं, वह ना तो सुख के पीछे भागते हैं ना दुख से भागते हैं। यह दुनिया वास्तव में जिसे सुख समझकर उसके पीछे भाग रही है, वही उनके दुख का कारण है और जिस दुख से भाग रही है, वही उनकी मुक्ति का द्वार है। झूठे सुख के चक्र में फंसकर ही मनुष्य सच्चे सुख से दूर हो जाता है। गुरु अपना उपदेश समाप्त करके वापस चले गए, परंतु वह बैठे एक शिष्य के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि सुख तो सुख होता है, झूठा सुख क्या होता है? और यहां इस दुनिया में हर कोई अपना सुख ही तो ढूंढ रहा है, दुख तो किसी को भी पसंद नहीं। फिर गुरु ने ऐसा क्यों कहा कि जो समझदार है, बुद्धिमान है, वह सुख के पीछे नहीं भागते और ना ही दुख से भागते हैं? अपने मन की जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए वह शिष्य गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आज आपने जो उपदेश में कहा, मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया। यहां झूठा सुख क्या होता है? यहां हर कोई अपने सुख के लिए ही तो प्रयासरत है, सुख से ज्यादा दुख कीमत है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। गुरु ने कहा, यह बताओ कि सुख क्या है? शिष्य ने कहा, हर मनुष्य का सुख अलग अलग है। किसी को धन प्राप्ति में सुख मिलता है तो किसी को पद और प्रतिष्ठा में सुख मिलता है, किसी को प्रेम में सुख मिलता है तो किसी को किसी की सेवा करने में सुख मिलता है। अपनी इच्छा की पूर्ति हो जाना ही सुख है, गुरु ने कहा। यही सब तो झूठ सुख है। जिसको धन मिला वह इस बात से दुखी है कि उसका धन छिन ना जाए, जिसको पद और प्रतिष्ठा मिली वह इस बात से दुखी है कि उसकी प्रतिष्ठा चली ना जाए, जिसको प्रेम मिला वह अपने प्रेमी या प्रेमिका की या अपने चाहने वालों के चले जाने से दुखी है, जिसने किसी की सेवा की वह इस बात से दुखी है कि जिनकी वह सेवा कर रहा है वह उसे छोड़कर ना चले जाए, और जो अपनी इच्छाओं को पाले बैठे हैं वह इस बात से दुखी हैं कि कहीं उनकी इच्छाएं अधूरी ना रह जाएं। ये तुम्हारी इच्छाएं जिन्हें तुम सुख समझकर पूरा करने में लगे रहते हो, यही दुख का कारण लेकर तुम्हारे जीवन का विनाश करती हैं। एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, यह सोचकर कि वह स्त्री उसके जीवन में आएगी तो जीवन सुख ही सुख से भर जाएगा, परंतु वही स्त्री उसके दुख का कारण बन जाती है। इसी तरह एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है, यह सोचकर कि वह पुरुष उसकी हर इच्छा को पूरी करेगा, उसके जीवन में सुख ही सुख भर देगा, परंतु वही पुरुष स्त्री के दुख का कारण बन जाता है। वास्तव में वह स्त्री या पुरुष एक दूसरे के दुख के का कारण नहीं है, उनके दुख का कारण है उनकी इच्छाएं, जो वह एक दूसरे से लगाए बैठे हैं। जिसे वास्तव में लोग सुख समझते हैं वह उनका दुख होता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में ईश्वर ने दुख क्यों बनाया? केवल सुख ही सुख क्यों नहीं रहने दिया? जिसको जो चाहिए था वह मिल जाता, बस तब सब सुखी होते। गुरु ने कहा, ब्रह्मांड जब किसी पर कृपा करता है और उसे कुछ देना चाहता है तो वह उसे दुख ही देता है। शिष्य ने कहा, मैं समझा नहीं गुरुदेव, ब्रह्मांड कृपा भी करता है और दुख भी देता है, फिर वह कृपा कहां रही? गुरु ने कहा, अगर किसी व्यक्ति की बहुत प्यारी चीज, जो उसे जान से भी प्यारी हो, उसके घर में रखी हो और उसके घर में आग लग जाए और वह व्यक्ति बाहर हो और तुम उसके साथ खड़े हो और वह व्यक्ति उस चीज को बचाने के लिए, उठाने के लिए उस जलते हुए घर में जाने को तड़प रहा हो, तब तुम क्या करोगे? तब क्या तुम उसे उस घर में जाने दोगे? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, कुछ भी करके कैसे भी मैं उस व्यक्ति को वहीं रोक लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उसके साथ संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े। गुरु ने कहा, और क्या ऐसा करने से उस व्यक्ति को तुम्हारे द्वारा सुख प्राप्त होगा या वह दुखी हो जाएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वह तो दुखी ही होगा। गुरु ने कहा, इसी तरह जब ब्रह्मांड आप पर कृपा करता है तो आपको वह सुखों से बाहर खींचता है। ऐसा नहीं है कि वह आपको दुख देता है, पर अपने सुखों से बाहर आने पर आप दुख ही महसूस करते हैं। इसलिए जब आपका जीवन बहुत दुखों से घिरा हो तो यह जान लेना कि यह ब्रह्मांड आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, परंतु फिर भी अगर वह व्यक्ति अपनी कीमती चीज को पाने के लिए
उस आग वाले घर कूद ही जाए तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे यह बात और अधिक स्पष्ट करके बताएं, मैं ठीक से अभी भी इसे समझ नहीं रहा हूँ। लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और आप कह रहे हैं कि यह सब इच्छाएं ही उनके दुख का कारण है, और अगर उस ब्रह्मांड की ईश्वर की उन पर कृपा हुई तो वह उन्हें दुख देगा। गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तुम्हें एक बीज की कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम उससे कुछ समझ सको। कुछ बीज एक बर्तन में रखे हुए थे। वह एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। उनमें से एक बीज ने अपने साथी बीजों को नष्ट होते हुए, खराब होते हुए देखा। उसे भी अपने नष्ट हो जाने का डर था, इसलिए उसने ब्रह्मांड से प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे बचा ले ताकि वह कभी नष्ट ना हो सके, वह हमेशा ऐसे ही सुखी जीवन जीता रहे। उसकी प्रार्थना बहुत गहरी तो ब्रह्मांड तक उसकी प्रार्थना पहुंची और ब्रह्मांड ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। तब उस बर्तन को एक व्यक्ति अपने साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में उस व्यक्ति को एक ठोकर लगी और वह गिर गया। उसके हाथ से वह बर्तन भी गिर गया और उस बर्तन से वह एक बीज जिसने प्रार्थना की थी बाहर आकर जमीन पर गिरा। जैसे ही वह बीज बाहर आकर गिरा वह घबरा गया। उसने प्रार्थना की कि हे ईश्वर मुझे बचा ले। वह व्यक्ति अपने बर्तन को उठाकर चल पड़ा। वह बीज वहां जमीन पर पड़ा हुआ चिल्लाता रहा कि वह वहां छूट गया है, पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। खुले आसमान में जमीन पर पड़े हुए उसने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। इतना भयंकर दुख उसके जीवन में अभी तक नहीं आया था। वह अपने बाकी साथी बीजों से बिछड़ गया था। तभी आकाश में बिजली खड़की, चारों ओर बादल छा गए। बहुत तेज बारिश शुरू हुई। उस बारिश के पानी में वह बीज बहने लगा। उस बीज को ऐसा लगा कि दुनिया के सारे दुख उसकी झोली में आ गए हैं। वह बहते बहते एक उपजाऊ जमीन में पहुंच गया। वह जमीन के अंदर वह आ गया और वहीं उस बीज का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। बीज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। फिर उसे महसूस हुआ कि वह किसी गुफा में बंद है और गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। वह धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उसने अपने आप को बढ़ते हुए महसूस किया। उसने महसूस किया कि जैसे वह आकाश की ओर बढ़ रहा है, वह अब अंकुरित हो चुका था। उसका रूप परिवर्तित हो चुका था। वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। समय गुजरता गया और वह छोटा सा बीज अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उस बीज से विशाल वृक्ष बनने तक के सफर में उसने बहुत कुछ सहा था। ब्रह्मांड ने उसकी इच्छा को वैसे ही पूरा किया जैसा वह चाहता था। अब उस पर हजारों बीज थे और हर बीज में वही था, तो उसके नष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात समझ गया हूँ और मैं यह भी समझ गया हूँ कि क्यों बुद्धिमान लोग सुख के पीछे नहीं भागते और दुख से नहीं भागते। दुख हमें दुनिया के माया जाल से बाहर खींचने का प्रयास मात्र है। वह हमारे लिए कोई बुराई नहीं है, बल्कि सुख जिसमें हम खो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, वह असली दुख है। यह ब्रह्मांड केवल उन्हीं बुद्धिमान लोगों को सुख देता है जो यह जानते हैं कि सुख दुख उत्पन्न करता है और दुख तुम्हें जागृति की ओर ले जाता है।